जो टाइम बचाएगा विनर वही होगा। चलो, एक बुलेट है 10 ग्राम मूविंग हॉरिजेंटली। अगर एक बुलेट है वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, और मूव करते करते, ठीक है, बुलेट 10 ग्राम मूविंग हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी 400 स्ट्राइक ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg विच इज सस्पेंडेड बाई ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर एज ए रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाउंड टू राइज 10 सेंटीमीटर ऊपर। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्ज हॉरिजेंटली फ्रॉम द ब्लॉक। पहले क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझो तब इसको कर पाओगे। एक स्ट्रिंग से वुडन ब्लॉक पहले से अटैच था जो कि रेस्ट में था, इधर से एक बुलेट आया मूव करते हुए, ठीक है। दिस इज द बुलेट, थिंक अबाउट दिस बुलेट। दिस बुलेट है 400 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ठीक है, 400 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ये इसको हिट करेगा एंड द बुलेट मास 10 ग्राम है, मास इसका 10 ग्राम है। इसको ही हिट करेगा एंड स्टिक एंड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। इसका जो ब्लॉक का वो मास है वो एक्चुअल में 2 kg है। हिट करने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक राइट टू वर्टिकल डिस्टेंस 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। अब जब हिट किया, हिट करने के बाद ये इसमें इम्बेडेड हो गया, ठीक है, बुलेट इसमें इम्बेडेड हो गया और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, यहाँ पे कहीं पे आ गया होगा ब्लॉक, ठीक है। और ये जो हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हाइट तक राइज हो गया, है ना, क्लियर है सब कुछ। ये 10 सेंटीमीटर तक हो गया भाई। अब 10 सेंटीमीटर कहता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 5 मीटर ले लो, अगर ज़रूरत पड़ता है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 5 मीटर ले लो। राइज टू वर्टिकल जिसे स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग हॉरिजेंटली फ्रॉम द ब्लॉक। अब हमें, ठीक है, उस ब्लॉक की स्पीड निकालनी, उस बुलेट की स्पीड निकालनी है जो इससे हॉरिजेंटली बाहर जाएगा, ठीक है। वो जो बुलेट इसमें था जो हिट करने के बाद वो यहाँ से हॉरिजेंटली बाहर जाएगा ऐसे, और उसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें कैलकुलेशन करना है। बात समझ में आया? बुलेट आया था, ये रेस्ट में था, ये चल रहा था, इसको हिट किया, सब कुछ हॉरिजेंटली ऐसे, ये वर्टिकली राइज हो गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, यहाँ पर ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, ठीक है, और उसके बाद बुलेट हॉरिजेंटली बाहर आएगा, हॉरिजेंटली, ठीक है। तो हमें वही कितने स्पीड से बाहर आ रहा है वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो, अब हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। मोमेंटम कंजर्व कैसे कराते हैं? दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है कोलिजन से पहले, एक सिचुएशन है कोलिजन के बाद। मोमेंटम तभी कंजर्व होता है जब नेट फोर्स 0 हो, जो हॉरिजेंटल है, ठीक है, जब यहाँ कोलिजन हो रहा है तो हॉरिजेंटल में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ग्रेविटी टेंशन जो भी लग रहा है वो सब वर्टिकल में है, हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हॉरिजेंटल में मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो इनिशियल पहले ब्लॉक की देख लेते हैं, ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से ऊपर गया होगा। ब्लॉक की वेलोसिटी V2 जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ब्लॉक की जो स्पीड है वो V2 है। तो पहले मैं V2 निकाल लूँ, तो यहाँ ब्लॉक V2 से चला और हाईएस्ट पॉइंट पे ब्लॉक की जो स्पीड है वो 0 हो गई, तो एनर्जी कंजर्व करा दूँ ब्लॉक के लिए, फॉर ब्लॉक, फॉर ब्लॉक। तो अगर मैं ब्लॉक को देखूं तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 12 mv2² और पोटेंशियल यहाँ पर 0 है, और हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक 0 है और पोटेंशियल mgh। तो m ने m को, मतलब ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो 2gh के इक्वल आ गई। 2gh मतलब कितना, 2 × 10 और हाइट एट 10 सेंटीमीटर, 10^-2, तो 10^-2, ये 10^2, 2 खत्म हो गया, √2, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 m/s से ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे, इसकी स्पीड हो जाएगी 0, ये तो क्लियर है। तो हमें कोलिजन से पहले इसकी मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं, कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू कोलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व कराता हूँ तो इनिशियल मोमेंटम लिखो, इनिशियल मोमेंटम, चलो इनिशियल मोमेंटम बुलेट की, बोलो बुलेट की इनिशियल मोमेंटम, बुलेट का मास 400, ठीक है, बुलेट का वेलोसिटी और बुलेट का मास 10 ग्राम, 10 × 10^5
माइनस थ्री और ब्लॉक के लिए हो गया जीरो, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हो गया इनिशियल मोमेंटम. इन दोनों का फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन जस्ट कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद ये बुलेट इसमें आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों यहाँ पे, कोलिजन के बाद ब्लॉक और बुलेट, ठीक है, ब्लॉक और ब्लॉक की जो वेलोसिटी वो वी टू हो गई, ठीक है, जो कि हम पहले निकाले, और ब्लॉक का मास, ब्लॉक का मास 2 kg था, और उसके बाद फाइनल ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो गई, तो उसका मोमेंटम जीरो हो गया. और उसके बाद ये कोलिजन, ये बुलेट जब बाहर आया, समझना, जब बुलेट बाहर आया तो उसकी वेलोसिटी भी वही, तो हमें कैलकुलेट करना है, और बुलेट का मास इंटू 10 की पावर, बुलेट का मास 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 kg, ये, ठीक है, समझ में आया, आई होप कि समझ में आया होगा. देखो एक्चुअली जब यहाँ से दोनों चले जस्ट कोलिजन के बाद, ये इसकी वेलोसिटी, ब्लॉक की वेलोसिटी v2 है, और कोलिजन के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो गया उसका मोमेंटम. फिर एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी है, ठीक है ना, बुलेट की. तो फाइनली अब जब मैं इसको कैलकुलेट कर लेना, फाइनली इन दोनों को इक्वेट कर दो, और इक्वेट करने के बाद यहाँ से v2 की वैल्यू √2 डाल देना, और √2 डालने के बाद भी कैलकुलेट कर लेना, 120 मीटर पर सेकंड से बुलेट है वो इमर्ज होगा, बाहर आएगा, ठीक है, हाँ 170 के आसपास कुछ आता है, 170, ये जो है कैलकुलेट करने के बाद ये शायद आता है 117.8 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 120, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेट हम लिखेंगे, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आता है 120, ठीक है, तो ये चलो.